नहीं करेंगे इसको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा है कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने टैक्सेस के बाद भी कर्नाटका सरकार मंदिरों पर और टैक्स बढ़ाने के लिए बिल ले आई। हिंदुओं का सारा आरक्षण जो है एक धर्म को ट्रांसफर कर दिया, वो कर रहे हैं असली अत्याचार। तो और सही अत्याचार भी उन्हीं के समय में हुआ है, वाईएसआरसीपी ने किया ये सारी चीजें। जिस तरीके से बोर्ड में अलग अलग धर्मों के मेंबर हैं, उस पर जरूर है कि उन चीजों को बाहर करने की आवश्यकता है। हम जांच क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि राजनीति ना करके मंदिर में कोई भी स्पिरिचुअलिटी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल होने नहीं थी, हम नहीं होने देंगे। गुरु हो रही थी, हम नहीं होने देंगे। हो रही है, लेकिन हम नहीं होने देंगे। टेस्ट जब हुआ तब तक हुई है, हम लेकिन नहीं होने देंगे। आप आए हैं तो हम नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल नहीं होने। अरे एक्टिंग हमारा काम नहीं, आप तो रहने दीजिए। अरे संजय जी, बताइए क्या अपने आप में धर्म भ्रष्ट करने वाली बात है? गलत है, नहीं होना चाहिए। देर नहीं लगेगा शिवम। इनका सवाल क्या था? सिंपल सवाल, वोटिंग तिरुपति मंदिर। सर्वर साहब आ रहा हूँ फिर। वाई तिरुपति मंदिर का सवाल आपको आजम खान याद आ रहे थे? अरे क्यों याद ना आए भाई, आप अपने आजम खान से इतना प्रेम है क्या आपको? अरे हिंदू धर्म की बॉडी में किसी और व्यक्ति का क्या काम है? बताइए क्या काम है भाई आजम खान का? क्या काम है फिरादा का? क्या काम है हमारे धर्म में? आप कुछ क्या काम कर रहे हैं? बेचे लाचार देखो, मानतुल्ला वाले लोग ना बोले हमें बैठे के भाई बताइए। फिर ये जो उसकी जो मुद्दे पे जाएंगे, आप तिरुपति का जवाब दो। धर्म के आप तिरुपति का जो सवाल है उसमें जवाब दो ना भाई। आपको हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म जानबूझ के षड्यंत्र करती है भारतीय जनता पार्टी। जितेंद्र भाटिया कुछ कह रहे हैं जनता के बीच में जाकर के उसके फायदा। जितेंद्र भाटिया कुछ कह रहे हैं मिली तो आप सुअर के बीच में जनता प्रसाद खा रहे थे, इसको षड्यंत्र बता रहे? नहीं जांच करो। जितेंद्र भाटिया ये आस्था पे चोट है। जितेंद्र राजनेता राजनीति किसी भी चीज पे कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। रतेंद्र भाटिया जी, लेकिन जो आपने कहा ना आस्था पे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इनको, ऐसा तो नहीं है भाटिया जी कि सिर्फ एक धर्म में या एक मंदिर में प्रसाद मिलता है। आपकी आस्था जहां है, जो आपकी आस्था जहां है, सर्वर साहब की आस्था जहां है, सबकी अलग अलग है। सबके आराध्य जब अपने आराध्य में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है। क्या पता वहां क्या चीज इस्तेमाल हो रही है। अब तो मुझे मतलब एक मानसिक, एक नॉर्मल है डाउट, तो सवाल तो खड़ा होता है कौन सा घी कहां क्या, कोई चेक है कि नहीं है? आपको नहीं होता भाटिया जी? कम से कम चेक तो। मैं भाटिया जी एक बात बता रहा हूं, मेरा एक मित्र है पंजाब में, फिरोजपुर बॉर्डर सिटी है, फिरोजपुर कैंटोनमेंट एरिया में, वो एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है। एक बार मुझे मिला था कहीं, उसका फोन आया, उसने बोला भैया जब से ये खबर कहाँ हुआ है और उसका असर फिरोजपुर में पड़ा है, वो बोल रहा है आधा किलो छोड़ो 250 ग्राम किसी ने मिठाई नहीं खरीदी है, 250 ग्राम 250 ग्राम नहीं खरीदी है। आप समझ रहे हैं कई अलग अलग एस्पेक्ट्स में चोट। देखिए ऐश्वर्या भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम इन सब जो लोग आपके पैनल पे आज बैठे हैं उनसे एक सवाल मेरा है बहुत सीधा। क्या आस्था के सवाल पे होने वाले इस प्रोग्राम पे भी राजनीति होनी चाहिए? बस पहले तो ये बताओ, कोई इसको सड़क पे ले गया, कोई इसको ले गया कि इस पे पैनल पे कौन है, चैनल पे कौन है, इनके इंस्टीट्यूट में कौन है, कोई इसको ले गया आजम खान पे, कोई इसको ले गया किसी चीज पे। मेरा सवाल सिंपल है, आज देश में जितने भी बड़े रिलीजियस, चाहे वो अकाल तख्त साहब है, चाहे वो तिरुपति जी है, जहां पर जो मेजर, जो सबसे बड़े हमारे तीर्थ स्थान है, उन पे कंट्रोल किन लोगों का है? आज अकाल तख्त में भी पॉलिटिकल पार्टियों का पीछे से कंट्रोल है, आज तिरुपति में भी कोई ना कोई कंट्रोल पीछे से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी न किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे आस्था से डिपेंड करता है। आस्था पे जो हमारे रिलीजन रिलेटेड है उस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को टच नहीं करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, एडल्ट्रेशन का जो मैटर है वो पूरे देश के लिए खतरनाक है। ये खाली एक प्रसाद की बात नहीं है, ये पूरे देश पे एक बहुत बड़ा चिन्ह है। आज पूरे हम तो देख ही रहे हैं ये एडल्ट्रेशन का इतना बड़ा मसला है। आज सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी, हम किसी को पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, लेकिन हर स्टेट में, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जरूरी नहीं कि हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, जिस स्टेट में कोई भी सरकार हो, नंबर वन वो वहां की एडल्ट्रेशन को चेक करे, नंबर टू स्पेशली जहां आस्था का सवाल आता है, मंदिर का सवाल आता है, उस पे तो ज्यादा कार्रवाई करे, उस पे जबरदस्त
ठोस कार्रवाई करे ताकि कोई और कर ना सके, ताकि कहीं और ये हो ना। रशीदी जी योर व्यू पॉइंट। भाटिया जी समय कम है थोड़ा, बोलिए रशीदी जी सबके पास। ऐश्वर्या भाई जी, दादा ऐश्वर्या भाई देखिए, इंसान जिंदा रहेगा तो ही आस्था चलेगी ना। मैंने जो कहा है कि ये हर चीज में मिलावट है, इस बात आपकी सही है, गलत नहीं है। हर चीज में मिलावट है, सरकार आंख मूंदे बैठी है। मैं जिंदा रहूंगा तो ही नमाज पढ़ूंगा ना, आप जिंदा रहेंगे तभी पूजा करेंगे ना। बात ठीक है, आस्था तो जब भी चलेगी जब मैं जिंदा रहूंगा। रोजाना लोग मर रहे हैं अटैक से, रोजाना लोग मर रहे हैं। एक बार आप इतनी सेंसिबल बात कर रहे हैं, उसी दिन ऑडियो खराब हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, आप इतनी सेंसिबल बात आज कर रहे हैं तो आज ही ऑडियो खराब हो गया। सर्वर साहब, नहीं मैं बता रहा हूं, नॉर्मली मैं रशीदी जी की बात से बहुत मतलब डिसएग्री करता हूं सर्वर साहब, लेकिन आज उन्होंने इतनी अच्छी बात की, जिंदा रहेंगे तभी तो करेंगे ना। सर्वर साहब सही बात जी। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत के अंदर हम लोगों को बताया गया था कि ये तेल है, ये घी है, ये शहद है, लेकिन जब हम लोग जवान हुए मार्केट में आए तो पता चला शुद्ध असली शहद यहाँ मिलता है। इसका मतलब नकली शहद कहीं और मिलता है, शुद्ध देशी घी हमारे यहाँ मिलता है, मतलब और विशुद्ध देशी घी भी मिलता है, शुद्ध सरसों का तेल। अरे भाई ये क्या हो रहा है इस देश में, और ये शुद्ध वाले 30% है। पॉलिटिक्स में भी है शुद्ध हिंदू की पार्टी, शुद्ध मुसलमानों की पार्टी, ये देश जा किधर रहा? शुद्धता का नाश तो यही हो जा रहा जब आप किसी क्वालिटी में नंबर एक और नंबर दो बता रहे हैं। प्रकृति देती है हमको शहद, हम उसमें शुद्ध और विशुद्ध कर रहे हैं। जो प्रोसेस है घी बनाने का उसमें फिर कुछ ना कुछ मिक्सिंग हुआ, तभी तो शुद्ध की बात आई। तो इस पर कमांड होना चाहिए। दीपावली से पहले छापा मारी, मावा में मिक्सिंग, मिठाई हाँ, में मिक्सिंग, ये सब हो रहा क्या इस देश में? रशीदी साहब ने सही कहा, जब हम ही न रहेंगे तो मोहब्बत करेगा कौन? इंसान की जान की कीमत है, जिंदा रहेंगे तो। अनुराग भदौरिया समझ रहे हैं आप मामला? यस अनुराग भदौरिया देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग कितनी सेंसिबल बातें कर रहे थे कि आस्था का विषय है, हमारे आस्था पे चोट है, वो कहाँ ले गए इसको? आजम खां पे। बताइए भला, ये बताइए कि अगर आजम खां साहब उसके चेयरमैन थे तो बताइए कोई अप्रिय घटना घटी क्या? कुंभ में ऐसी कोई घटना घटी तो बता दीजिए आप, सिर्फ पूरा देश देख रहा है आपको। कितना प्यार से कुंभ हुआ था, हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है कि सब मिलके हम लोग रहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको हर चीज में राजनीति याद नहीं है? मेरे आज तो कम से कम राजनीति नहीं करते, आज तो कम से कम ये बताते हैं हमारे 50 साल से है और हम वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाए, और हमारी नाकामी की वजह से वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो गई।